आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकेन से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जनपद के 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों एवं नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों का शपथ दिलाया। सभी बच्चों ने शपथ लिया कि वह वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करेंगे और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर वाहन को चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा अपने घर परिवार के लोगों, अपने मित्र व सहयोगियों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। इसके अलावा गोरखपुर प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर स्कूल के 15,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को यातायात नियम का शपथ दिलाया गया है, जिसमें 11,000 स्कूल के बच्चे व बाकी विभाग के लोग शामिल हुए हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो कि गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है। सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। इस अवसर पर कमिश्नर रवि कुमार NG, RTO अनीता सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर नेहा बंधु, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूली छात्रों यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष निशा किन्नर, RTO अनीता सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उनको ये पर्चा देते जाएंगे। उमा जी, ये पर्चे मैडम लोग आ रही है, पर्चे इनको दे दीजिएगा बीच में। हमसे तमाम सवाल करेगी, बल्कि तुरंत हम उसे आपातकालीन नंबर पर फोन करके उसे एम्बुलेंस के माध्यम से, अपने माध्यम से उसे जब जब तक पहुंचा सकते हैं। और इसका परिणाम होगा कि एक जिंदगी का वोट रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कराएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। श्री MP सिंह साहब, मैं चाहता हूँ कि अपने अपने विद्यालय के सामने सेंटर में खड़े रहे। अरे यार, हम लोगों का ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। चर्चा व्यक्ति है वो नहीं लगाता, तो हम तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सुरक्षित नहीं हो पाता। तो ये जरूरी है कि दोनों हमेशा कुछ नया करता है। नियमों एवं चिन्हों का बच्चे कोहरा होने पर अपने वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर रखें। कोहरा होने पर अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं
2023 से 4 फरवरी 2023 तक जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये आज सम्मानव श्रृंखला बनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस पर। और आज सारा मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आज 11:30 पे शपथ लेगा सड़क सुरक्षा के कुछ शपथ सारे मीडिया लोग थोड़ा सा इस पे दे देंगे हम लोग भी इधर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक 800 मीटर की बुके देकर आपका झा साहब से कि आपका अभिनंदन मिलकर एक साथ शपथ लेंगे। मैं आग्रह करता हूँ अपने मुख्य अतिथि माननीय विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम एक ही समय पर मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी जहां हम सब खड़े 11,000 से अधिक यहां के नागरिकगण अधिकारीगण और प्यारे बच्चे यहां खड़े हैं। पूरे प्रदेश में आए गिनीज बुक में आज दर्ज होने जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत। हम सब अपना अपना दाहिना हाथ आगे निकालेंगे और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं वह पीछे बैठे चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के गेम नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में नहीं करेंगे। लेकिन 40 करोड़ लोगों के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर मैं आप सब की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत मैं गोरखपुर के प्रशासन को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी कभी जब हम लोग दिल्ली जाते थे बाहर जाते थे अन्य बड़े शहरों में जाते थे तो वहां ट्रैफिक के नियमों का देखकर पालन करते थे। रेड लाइट होती थी रुक जाते थे, हरी लाइट होती थी चल देते थे। लेकिन वहीं गोरखपुर में या छोटे शहरों में आकर के उसका पालन नहीं होता था। विगत वर्षों एक वर्ष से लगभग गोरखपुर में भी इस नियम का 100% पालन हो रहा है। लोग अनुशासन के साथ ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेट हो रही है। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सबने जो शपथ लिया है जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। हम सब इस ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। मैं आप सबका आज के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करते हुए इतनी बड़ी संख्या में ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए बहुत सारे हमारे शिक्षा विभाग से लेकर के आरटीओ प्रशासन यहाँ पर
अनिल सिंह जी, आरटीओ यूपी सिंह जी, एमपी सिंह जी, विनय सिंह जी, एडीएम सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रवीण कुमार जी, संजय झा जी, एआरटीओ प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, रियाज साहब मौजूद हैं। मैं सभी यहाँ उपस्थित नागरिक बंधुओं का, बहनों भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में हम गिनीज बुक में दर्ज करने जा रहे हैं कि अनुशासन का पालन करते हुए कैसे हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आप सबके बीच में इस मानव श्रृंखला का मेरे सब लोग एक लाइन में रहे, एक एक नहीं, कोई नहीं, खड़े हो जाओ सब लोग। लोग भी लगे हैं, सभी लोग एक लाइन में लाइन रहे हैं। बच्चों को आगे आने क्यों गार्डन बना हुआ उसमें शपथ लिया बच्चों को आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम। मैं उधर से आ रहा था, मतलब कोई भी ऐसा बीमार नहीं है। विशिष्ट अतिथि और हमारे सम्मानित अतिथि इस मानव श्रृंखला का निरीक्षण कर रहे हैं। यातायात नियम अपनाना है, यातायात नियम अपनाना है, गोरखपुर स्मार्ट बनाना है, ठीक है। हम बोलेंगे यातायात नियम वे माई कॉलेज नेम इज डी ए वी पी ए जी कॉलेज। कभी भी गलत समय में मिसयूज नहीं करना चाहिए और हमें चलते समय सही दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए और ड्रिंक करके हमें कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। धन्यवाद। आज आप लोग को शपथ दिलाया क्या बताएगा? शपथ में यही बताया गया है कि हमें गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलानी चाहिए, शराब पीकर नशे में हालत में नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, यही शपथ में बताई गई है। माय नेम इज़ रोशनी वर्मा और माय कॉलेज डी ए वी पी जी कॉलेज, मैं बक्सीपुर से हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि सड़क सुरक्षा शपथ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदा यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदा दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं एवं पीछे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहन लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क सुरक्षा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः हम सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हवा के झोंके से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जाएगी, पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में गई जान वापस नहीं आएंगी। जय हिंद, जय भारत। 2023 से 4 फरवरी 2023 तक जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये आज सम्मानव श्रृंखला बनाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि पे। और आज सारा मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आज 11:30 पे शपथ लेगा सड़क सुरक्षा के कुछ शपथ। मैं निशा किन्नर गोरखपुर से, न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष। सभी बच्चों को यातायात का नियम बताया गया है ताकि बच्चे अपने पापा को, अपने भैया को जाकर के घर में सबको बताएं कि यातायात का नियम अपनाएं और स्मार्ट बने, अपने जिलों को बनाएं, अपने शहर को बनाएं और सब लोग सुरक्षित रहें, बस हमारा कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे ऐसा एक कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाए जो हमारे विश्व रिकॉर्ड के रूप में कीर्तिमान स्थापित कर सके। उसी उपलक्ष में पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में और साथ में गोरखपुर में भी सभी बच्चों को, सभी नागरिकों के साथ मानव श्रृंखला बनाने का आदेश दिया गया था। और आज हमारे गोरखपुर जनता में कम से कम 15,000 से ज़्यादा बच्चे और नागरिक यहाँ पर इकट्ठा, सिर्फ पैडलीगंज से रामगढ़ ताल पर इकट्ठा हुए हैं और जन जन तक जो है सड़क सुरक्षा का नियम बताने के लिए जो है यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। और अभी ये कार्यक्रम तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी होगा और वहाँ के भी लोग और जगह जगह पर ऑफिसर्स में भी लोग मानव श्रृंखला बनाकर इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज यातायात सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसी कड़ी में गोरखपुर के सभी विभागों के सहयोग से विशेषतः परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग सभी के सहयोग से पार्टिसिपेशन से यहाँ पे हजारों की संख्या में नागरिकों और बच्चों द्वारा यातायात सुरक्षा
शपथ ग्रहण की गई और बच्चों के द्वारा, उनके गार्जियंस के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस शपथ के माध्यम से यातायात सुरक्षा के संदेशों को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि सभी का जीवन सुरक्षित बन सके और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती को मना रहा है। मैं सबसे पहले उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करता हूं और गोरखपुर के प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के पावन दिन से ये ट्रैफिक के नियमों का ठीक से पालन हो, उसके दृष्टि से एक मानव श्रृंखला यहाँ बनाई है और लगभग मैं देख रहा हूँ ये नौकायन से लेकर के पैडलेगंज तक लगभग 15,000 से अधिक लोग यहाँ, विभाग के लोग अलग हैं, छात्र 11,000 तो केवल छात्र छात्राएं आए हैं, एक बड़ी मानव श्रृंखला आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित है और आज गिनीज बुक में दर्ज होने जा रहा है कि लोग किस प्रकार से ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, लोग सुरक्षित रहें, यात्रा सुरक्षित हो, हेलमेट का लगाएं, सड़क के नियमों के, यातायात के नियमों का पालन करें, उसकी दृष्टि से ये एक विशाल मानव श्रृंखला है। मैं भी उस कार्यक्रम में आया हूं, एक निरीक्षण भी कर रहा हूं और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जितने भी विभागों के लोग लगे हैं सबको मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।